अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वलीद और इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कम्युनिटी टैब और स्टोरी टैब के बारे में। कम्युनिटी टैब क्या होता है और स्टोरी टैब क्या होता है, इन दोनों पॉइंट्स को हम देखेंगे और फिर एक और पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे और वो पॉइंट ये है कि ये दोनों चीज़ें आपको कब मिलेंगी। दोस्तों, कम्युनिटी टैब क्या होता है, बहुत सारे दोस्त ये सवाल पूछते हैं और ये सवाल भी पूछते हैं कि हमें कम्युनिटी टैब जो है वो कब मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, कम्युनिटी टैब जो है बिल्कुल फेसबुक की तरह होता है। जिस तरह से हम फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं, यानी तस्वीर डालते हैं, अपनी इमेज डालते हैं, उसके अलावा हम वहाँ पे लिंक डालते हैं, या फिर उसके अलावा वहाँ पे जो है हम एक पोल बनाते हैं, यानी एक क्वेश्चन लिखा, उसके नीचे जो है दो तीन जो है हमने ऑप्शंस दिए, तो कोई भी बंदा जो है उन ऑप्शन पे क्लिक करके जो है आपको उस क्वेश्चन का आंसर देता है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, यानी इमेज डालना या लिंक डालना या फिर एक क्वेश्चन क्रिएट करना, ये जो है आप YouTube पर भी कर सकते हैं। और ये कब करेंगे, जब आपको कम्युनिटी टैब मिलेगा। कम्युनिटी टैब आपको कब मिलता है, कम्युनिटी टैब आपको तब मिलेगा जब आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे। जी हाँ, अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं और वर्किंग कर रहे हैं, आप अपनी वीडियोस डाल रहे हैं और अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो फिर आपको कम्युनिटी टैब मिलेगा। कम्युनिटी टैब का फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी पुरानी वीडियोस होती हैं, मिसाल के तौर पर आपने 100 वीडियोस डाल ली है, आपकी नई वीडियोस पे व्यूज़ अच्छा खासा आ रहा है, लेकिन जो पुरानी वीडियोस हैं उन पे व्यूज़ नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी पुरानी वीडियोस का लिंक जो है वो कॉपी करके कम्युनिटी टैब के अंदर जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि वो जो आपने पोस्ट डाली है, वीडियो डाली है, वो आपके सब्सक्राइबर्स तक पहुंचेगी, तो वो भी उस वीडियो को देख सकेंगे और आपके व्यूज़ जो है वो उन वीडियोस पे भी आना शुरू हो जाएंगे। तो ये होता है कम्युनिटी टैब और इसका बेनिफिट। अब हम बात कर लेते हैं स्टोरी टैब। स्टोरी टैब जो होता है ये व्हाट्सएप की तरह होता है। आपने व्हाट्सएप अगर इस्तेमाल किया है तो आपने अक्सर उकास स्टेटस भी डाला होगा, 30 सेकंड का स्टेटस जो होता है वो आप व्हाट्सएप के अंदर डाल सकते हैं। तो इसी तरह का फीचर जो है यूट्यूब लेके आया है, उसे स्टोरी टैब कहा जाता है। इसमें आप क्या करेंगे कि आपकी कोई भी आने वाली वीडियो जो है आप उसके बारे में बता सकते हैं स्टोरी टैब के अंदर, 30 सेकंड की वीडियो बना के, या फिर आप कुछ भी अपना शेयर करना चाहते हैं, अपनी कोई भी थिंकिंग शेयर करना चाहते हैं छोटी सी, तो आप 30 सेकंड की वीडियो बना के अपने सब्सक्राइबर्स के साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो स्टोरी टैब आपको कब मिलेगा, स्टोरी टैब आपको तब मिलेगा जब आपके 10,000 सब्सक्राइबर्स होंगे। जी हाँ, अगर आपके 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं स्टोरी टैब के लिए। यूट्यूब जो है वो आपको स्टोरी टैब प्रोवाइड करेगा। तो कम्युनिटी टैब और स्टोरी टैब दोनों ही बहुत ही बेस्ट फीचर्स हैं, दोनों से जो यूट्यूबर्स हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सारे के सारे जो आपके सवाल थे वो क्लियर हो गए हैं कि कम्युनिटी टैब क्या होता है, स्टोरी टैब क्या होता है और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो कब मिलती हैं। तो सारी की सारी बातें जो हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अगर फिर भी कोई सवाल है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ वलीद और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।